हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं, जिसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं। वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम लोग 16 तारीख को BEO की होने वाली परीक्षा के 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला आइस कैफे कहाँ शुरू हुआ है? लेह में। कहाँ दोस्तों शुरू हुआ है? लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अल्जाइमर रोग की दवा को मंजूरी प्रदान की है? कौन सा देश है दोस्तों? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त होने वाले पहला जीव कौन सा है? मेलोमिस रूबी कोला। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस देश की राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रख दिया गया है? दोस्तों कौन सा देश है? कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय नौसेना में पायलट बनने वाली पहली महिला हैं शुभांगी स्वरूप। कौन है दोस्तों? शुभांगी स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कलेश्वरम मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किस राज्य में किया गया है? दोस्तों तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्क्रैप आयातक देशों में भारत की रैंकिंग है, भारत की कौन सी रैंकिंग है? दूसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के अनुसार राज्यों का सही क्रम कौन कौन सा है? पहले नंबर पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। दोस्तों ये तीन राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। कौन सी है दोस्तों? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग में कितने अंकों का परिवर्तन हुआ है? दोस्तों 3 अंकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित हुआ है कहाँ पे? मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2019 के अनुसार भारत कितनी यूनिकॉर्न के साथ तीसरे स्थान पर है? दोस्तों 21। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोल्हापुरी चप्पल के लिए GI टैग कौन दिया है? महाराष्ट्र कर्नाटक दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जेवलिन थ्रो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय हैं कौन है? दोस्तों अनु रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अयोध्या भूमि विवाद से संबंधित संविधान पीठ में शामिल नहीं थे, कौन नहीं था दोस्तों? नंबर डी, न्यायमूर्ति सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मरुस्थलीकरण से संबंधित UNCCD का COP 14 कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों ग्रेटर नोएडा और भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत ने
2018-19 में सर्वाधिक खनिज तेल का आयात किया है इराक से। किससे किया है? इराक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अबेर नामक डिजिटल मुद्रा जारी की गई है कहाँ से? सऊदी अरब और यूएई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बांग्लादेश की कौन सी मुद्रा है? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? उत्तर कौन सा है? मिस्र सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था? दोस्तों गया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? दोस्तों शकुंतला महाकवि कालिदास ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? दोस्तों कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर दर्रा स्थित है कहाँ पे? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? दोस्तों यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? दोस्तों कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, किससे जोड़ते हैं? दोस्तों व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों अंगूर सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? नासिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोयना बांध स्थित है, कोयना बांध कहाँ से स्थित है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खरीफ की फसल काटी जाती है, खरीफ की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों नवंबर के प्रारंभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो जो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी कायांतरित शैल है? कौन सी कायांतरित शैल होती है? संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सार्क का पूर्ण रूप है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया है? कौन सा है दोस्तों? यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका तक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1914 से 1918 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? दोस्तों, किसके शासनकाल में? बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, महात्मा फूले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता थे? दोस्तों, कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों, मार्च 12, 1930, 6 अप्रैल 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? दोस्तों, कितनी होगी? 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? दोस्तों, किसके समीप है? महाबलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? दोस्तों, 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चंद्रग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? किसके बीच शुरू की गई थी? मुंबई से ठाणे के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? सबसे छोटा पद कौन सा होता है? पायलट ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है? दोस्तों, परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है कौन सा है? दोस्तों, एशिया। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? दोस्तों, ऋतुएं किन कारणों से होती हैं? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है? दोस्तों, किस नाम से है? वही मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किससे है? दोस्तों, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर थे? दोस्तों, तबला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, दोस्तों, उनका क्या नाम था? हुमायूं। दोस्तों, वीडियो समाप्त होने से पहले हमारे चैनल को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो पर
लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।